हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, अगर आप एक जी सूट यूज़र है तो आप लोग किस तरीके से आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड यूज़ करके मोबाइल पर लॉगिन कर सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है, उन स्टूडेंट्स को उनकी कॉलेज की तरफ से ऑर्गेनाइजेशन का ईमेल आईडी और पासवर्ड मिला है, तो वो लोग कैसे मोबाइल के ऊपर उससे साइन इन कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। एंटायर प्रोसेस को आप लोगों ने अगर इसी स्टेप से फॉलो किया तो आपको कोई भी डिफ़िकल्टी लॉगिन में नहीं होगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आपके मोबाइल के ऊपर आप लोगों ने दो ऐप इंस्टॉल करने हैं, एक गूगल क्लासरूम और एक गूगल मीट। गाइज, जी सूट ने क्या किया है, क्लासरूम के अंदर ही मीट का इंटीग्रेशन दिया है, मतलब आप लोग डायरेक्टली मीट को ज्वाइन कर सकते हो क्लासरूम के अंदर से। इसीलिए ये दोनों ऐप आपके मोबाइल के ऊपर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे ही आप लोग इन दोनों को इंस्टॉल कर देते हो, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यू हैव टू ओपन ए क्लासरूम। तो ऐसे हो सकता है कि ऑलरेडी आपने आपके पर्सनल ईमेल आईडी से वहाँ पर लॉगिन किया हो और बाय डिफ़ॉल्ट उस ईमेल आईडी के डिटेल्स आपके सामने दिखाई दे रहे हो। तो अगर आपने ऑलरेडी लॉगिन किया है तो ऐसे हो सकता है मल्टीपल अकाउंट आपके गूगल अकाउंट में रहेंगे, और बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम कोई नया ईमेल आईडी ट्राई करते हैं तो प्रीवियस ईमेल आईडी वहाँ पर स्विच होते रहता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है कि जो भी क्लास के डिटेल्स आपके सामने आपको दिख रहे हैं वो किस ईमेल आईडी से आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मेरे सामने जो क्लासेस मुझे दिख रही हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ रहे, मगर csit.ramag ये ईमेल आईडी से आ रहे हैं। अब मुझे यहाँ पर कोई नए ईमेल आईडी से लॉगिन करना है इसी क्लासरूम के अंदर, तो मुझे नीचे यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ऐड अनादर अकाउंट, इसके ऊपर हम लोगों ने क्लिक करना है। तो डिवाइस ऑथेंटिकेशन के बाद यहाँ पर आप लोगों को जो भी ईमेल आईडी से आपको लॉगिन करना है वो ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आप लोगों ने लॉगिन करना है। तो यहाँ पर अभी मैं लॉगिन कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर एक ईमेल आईडी क्रिएट किया है। देन यू हैव टू एंटर ए पासवर्ड, और जैसे ही आप लोग पासवर्ड एंटर कर देते हो ये वाली वेलकम स्क्रीन आपके सामने आएगी, यू हैव टू क्लिक दिस एक्सेप्ट। तो ये आप लोगों को आपका पासवर्ड चेंज करने के लिए पूछेगा, यहाँ पर आप लोगों ने नया पासवर्ड सेट करना है। कीप इन माइंड, नया पासवर्ड आपका स्ट्रांग पासवर्ड होना चाहिए और कम से कम 8 डिजिट उसके अंदर होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड मेरा एक नया सेट कर देता हूँ। Then next. तो जब भी आपको स्ट्रांग पासवर्ड के लिए पूछे, आप लोग यहाँ से पासवर्ड देख भी सकते हो। आई एम गोइंग टू चेंज इट आफ्टर दिस वीडियो। तो ऐसे आप कैरेक्टर और नंबर और स्पेशल सिंबल के कॉम्बिनेशन से आपका पासवर्ड क्रिएट कर लो। तो ये स्क्रीन आपके सामने आएगी, आप लोगों ने आई एग्री पर क्लिक करना है और इस ईमेल आईडी से आपके गूगल क्लासरूम के अंदर लॉगिन हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने बताया कि मल्टीपल अकाउंट होने की वजह से ये बार बार यहाँ पर आपका ईमेल आईडी स्विच हो सकता है। तो अभी देखो देखो यहाँ पर जो मेरा प्रीवियस ईमेल आईडी था उसी से लॉगिन हुआ है क्लासरूम के अंदर, तो मुझे नए ईमेल आईडी के लॉगिन के थ्रू दोबारा से यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा और जो मेरा नया ईमेल आईडी यहाँ पर है उसको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अब इस नए ईमेल आईडी के जो भी डिटेल्स क्लासरूम के हैं वो आपको मिलेंगे, मतलब इस ईमेल आईडी को
सो लेट मी स्विच इट फ्रॉम हियर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी नया ईमेल आईडी मेरा यहाँ पर स्विच हो गया है जो कि firststud@devgiricollege.org है। और इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी को एक इनविटेशन यहाँ पर मिला है तो इस क्लास को इसने ज्वाइन कर लेना है। तो आप लोगों के सामने आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब सब्जेक्ट के क्लासेस के इनविटेशन आपको दिखेंगे, आप लोगों ने उनको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद यहाँ ऊपर आप लोग एक कैमरे का सिंबल देख सकते हो तो यहाँ से आप लोग आपकी मीट लिंक डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ से जो भी आपका टीचर है वो लाइव रहेगा, आप डायरेक्टली उसको यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सारे फैसिलिटी हमको इस पर्टिकुलर जी सूट अकाउंट के अंदर मिलती है जिससे हम लोग आसानी से टीचिंग लर्निंग जो है ऑनलाइन वो परफॉर्म कर सकते हैं। कई बार क्लासरूम में लॉगिन करते समय स्टूडेंट को एरर आ सकता है कि यू कांट लॉग इन, कॉन्टैक्ट योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड बराबर होने के बावजूद इस तरह का एरर आपको आ सकता है। तो उस केस में आपका जो डिवाइस होता है उसके कुछ पॉलिसीज़ आप लोगों को एक्टिवेट करने होते हैं और उसके लिए का वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बनाया है तो आप लोग वहाँ पर देख सकते हो कि किस तरीके से उस तरह का एरर आपको रिजॉल्व करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।